नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है जिसने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, पूरे भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये रिपोर्ट है वोट फॉर डेमोक्रेसी। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट 226 पेज की रिपोर्ट है। ये इलेक्शन कमीशन को दी गई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 करोड़ अतिरिक्त वोट है, 4,65,000 समथिंग है, लेकिन मोटे तौर पर एक आंकड़ा लें तो लगभग 5 करोड़ वोट ऐसे हैं जो बढ़ गए, यानी जितने वोट डाले गए थे और फिर उसके बाद जब गिनती हुई तो उससे ज़्यादा 5 करोड़ वोट निकले। ये 5 करोड़ वोट कहाँ से आ गए? ये 5 करोड़ की गिनती से इस पूरे चुनाव नतीजों पर क्या असर पड़ा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये पूरे लोकतंत्र के लिए बड़ा सवाल है, चुनाव तंत्र के लिए बड़ा सवाल है, सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए एक बड़ा सवाल है। सवाल क्यों है ये मैं आपको अब बतलाता हूँ। ये रिपोर्ट कहती है कि जो 5 करोड़ वोट बढ़े हैं उनसे ख़ास तौर पर 79 सीट्स ऐसी हैं जिन पर मेजर असर पड़ा है, और इन 79 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार या उसके सहयोगी दलों यानी एनडीए के उम्मीदवार जीते हैं। ये 79 सीटें आप सोच सकते हैं कि अगर 79 सीटों में ये बढ़ोतरी ना हुई होती और नतीजे उलट गए होते, यानी 79 ना सही 40-50 सीटों का भी फर्क पड़ जाता, तो पूरी गणित जो राष्ट्रीय राजनीति की है, सरकार बनाने की है, वो उलट पुलट जाती। यानी उस सूरत में जो इंडिया गठबंधन है उसकी सीटें 234 से बढ़कर 270-275 के आसपास पहुंच जाती और बीजेपी और एनडीए की सीटें घटकर 250-260 तक ही सिमट कर रह जाती। मुकाबला बहुत कांटे का हो जाता और उसमें इंडिया की बढ़त हो जाती, लेकिन ये वोट आ गए और इन्होंने पूरा खेल उलट पलट दिया। अब इस रिपोर्ट को लेकर चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है। हम एक चीज़ और बता दें, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर यह भी पाया गया है कि जितने वोट पड़े वो उतने वोट उस कंस्टिट्यूंसी में या उस पोलिंग बूथ पर थे ही नहीं, यानी जितने वोट मतदाता थे वहाँ उससे ज़्यादा वोट पड़ गए। आखिरकार ये ज़्यादा वोट कहाँ से पड़ गए, किन्होंने डाले? इसका मतलब ये है कि कहीं बड़े स्तर पर बड़ी धांधली हुई है। 79 सीट्स का मामला तो ये रिपोर्ट बता रही है, अगर पूरी 542 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उनकी एक एक सीट का अध्ययन किया जाए तो नतीजा कुछ भी निकल सकता है। ये रिपोर्ट बताती तो केवल 3 सीटें ऐसी हैं, मात्र 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर जितने वोट डाले गए उतने ही वोट गिने गए, अन्यथा हर सीट पर, हर पोलिंग बूथ पर मामला गड़बड़ रहा है, वोटों का मिलान नहीं हो पाया है। जबकि जो पूरी प्रोसेस है इलेक्शन की, काउंटिंग की, वोट डालने की, जिसके बारे में चुनाव आयोग ये दावा करता रहा है कि वो बहुत रोबोस्ट है, बहुत सॉलिड है, उसमें कहीं कोई हेर फेर की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि 542 में से केवल 3 सीटें यानी 539 सीटों पर गड़बड़ हुई है और 3 सीटों पर वोटों का मिलान सही रहा है? ये इतना बड़ा सवाल है कि ये पूरे तंत्र को हिला देने वाला है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडिया ब्लॉक जीत सकता था अगर ये 5 करोड़ वोट देखे जाएं, इनका अध्ययन किया जाए और आगे उनको माइनस करके अगर कैलकुलेशन हो तो रिज़ल्ट क्या होगा? हो सकता है कि कुछ सीटें ऐसी भी हों जहां पर ज़्यादा वोट पड़े हों और वहां इंडिया गठबंधन के भी कुछ उम्मीदवार जीते हों, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि अगर वोटिंग में, काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है तो वो विपक्षी दलों के ज़रिए नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका शासन प्रशासन पर कोई कब्ज़ा नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, सरकार उनकी नहीं होती है। चुनाव आयोग जिस तरह की भूमिका में रहा है हम जानते हैं कि वो किसके लिए काम कर रहा था। वो सीधे तौर पर
सत्तारूढ़ दल के लिए, बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए काम कर रहा था, उसके हर एक्शन से ये साबित हो चुका है कि वो केंचुआ था। तो अगर ये सही मायनों में इसकी कैलकुलेशन हुआ और नतीजे कुछ उलट पुलट हो गए तब क्या होगा? क्या ये सरकार अवैध नहीं मानी जाएगी? अगर उसके पास उतनी सीटें ही नहीं हैं जिस दावे के साथ वो सरकार बना रही है, उसने गड़बड़ झाला करके, धांधली करके अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई है, तो सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है हमारे लोकतंत्र में। एक और बात यहाँ जोड़ने की है कि मुंबई की एक सीट पर केवल 48 वोटों के फर्क से बीजेपी का उम्मीदवार जीता। ऐसा कैसे हुआ? और उसकी जब डिटेल मांगी गए तो वहाँ जो चुनाव आयुक्त वगैरह हैं उन्होंने देने से मना कर दिया। ये चुनाव आयोग का नियम है कि कम से कम आधे पोलिंग बूथ पर हर कंस्टिट्यूंसी पर वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी जा रही है तो आनाकानी की जा रही है, नहीं दी जा रही है। ये मुंबई की जिस सीट की बात कर रहा हूँ मैं, उसके लिए पहले हामी भर दी गई थी कि ठीक है आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ले लीजिए, लेकिन फिर मना कर दिया गया। तो कहीं तो कोई पर्देदारी है। क्यों है ये पर्देदारी? क्यों ट्रांसपेरेंट नहीं है हमारा सिस्टम? क्यों चुनाव आयोग आगे बढ़कर नहीं कह रहा है कि वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट गलत है? और गलत है क्यों, इसके ये कारण हैं। वो अपनी सफाई दे, बताए कि नहीं इलेक्शन फेयर थे, फ्री थे, कहीं किसी तरह से कोई धांधली नहीं की गई, न चुनाव आयोग की तरफ से, न रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरफ से, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर बहुत की पोस्ट होती है। जब भी वोट पूरे पड़ जाते हैं तो फॉर्म 17C साइन किया जाता है, सभी पार्टी के जो वहाँ प्रतिनिधि होते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं, वो साइन करते हैं, उसकी कॉपी मिलती है, और फिर जब काउंटिंग होती है तो उस कॉपी से ही EVM मशीनों के वोटों का मिलान होता है कि कहीं घट बढ़ तो नहीं गए हैं। तो ये ऐसा कैसे हो गया कि फॉर्म 17C के रहते हुए भी वोट इस पैमाने पर 5 करोड़ वोट पड़ गए, लगभग 12% के वोट पड़ना मामूली बात नहीं है। और इसने ये बता दिया है कि हमारे जिस चुनाव व्यवस्था का हम दम भरते हैं कि वो बहुत ही पारदर्शी है, बहुत ही स्मूथ है और बड़े कायदे से की जाती है, उसमें धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है, इस पूरे मामले ने ये साबित कर दिया है या कम से कम संदेह तो खड़े कर ही दिए हैं कि ऐसा है नहीं। अब ये इलेक्शन कमीशन को साबित करना है कि ये रिपोर्ट गलत है, इस रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं वो गलत है, और अगर वो नहीं करता है तो ये संदेह भी बना रहेगा और ये लगातार लोगों के मन में सवाल उठते रहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है वो अवैध है, वो सही तरह से जीत कर सत्ता में नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।